हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को टेंस का पार्ट फोर पढ़ाने चल रहा हूँ। टेंस का पार्ट फोर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। क्लियर? कंटीन्यूअस प्रेजेंट यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट वर्तमान काल, और कंटीन्यूअस में जारी यानी वर्तमान काल में यदि कोई कार्य जारी रहना पाया जाता है तो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। क्लियर? या आप ऐसे समझिए कि इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं होता है। क्लियर? फिर से, इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। क्लियर? तो दो बातें हमने बता दिया और दोनों से वाक्य को आपको पहचानना पड़ेगा। कभी कभी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता है तो भी वह कंटीन्यूअस में होता है। अर्थात इसके लिए आपको यह बात याद रखना पड़ेगा कि काम का जारी रहना पाया जाता है। क्लियर? पहला पहचान, काम का जारी रहना पाया जाता है और समय का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा पहचान, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। दो पहचान आपने जान लिया, दोनों से वाक्य दिया जाएगा, दोनों को समझना पड़ेगा। क्लियर? तो आपने आइडेंटिफिकेशन देख लिया, अब मैं इसके कुछ रूल्स बताने चल रहा हूँ। पहला रूल यह है कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल यह है कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। क्लियर? थर्ड रूल यह है कि वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बातें यह है कि मेन वर्ब में हम आई एन जी जोड़ देते हैं। क्लियर? तो ये टेंस के लिए आवश्यक चीज़ें रहीं। इसमें कुछ मैं और भी बातें बताने चल रहा हूँ जो जानना आवश्यक है। वह यह है कि हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज से संबंधित नाउन भी लिखते हैं। क्लियर? और ए हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज से संबंधित नाउन लिखते हैं और नाउन के बाद तब फिर हम हेल्पिंग लगाते हैं। क्लियर? और हाउ मैनी, हाउ मच दोनों का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। क्लियर? तब आप पूछेंगे कि तब कहाँ हम हाउ मैनी लगाएंगे, कहाँ हाउ मच लगाएंगे। क्लियर? तो इसे भी जान लीजिए, जब कोई काउंटेबल चीज हो, जब कोई काउंटेबल चीज हो तब उस कंडीशन में हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। जैसे कितने लड़के खेल रहे हैं, कितने लड़के खेल रहे हैं, हाउ मैनी बॉयज आर प्लेइंग, हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के, लड़के काउंटेबल हैं, इसलिए आपने हाउ मैनी का प्रयोग कर दिया। हाउ मच अनकाउंटेबल, जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिना ना जा सके। जैसे बच्चा कितना दूध पी रहा है,
हाउ मच मिल्क इज चाइल्ड ड्रिंकिंग, ठीक। हाउ मच हाउ मैनी में आपने अंतर समझ लिया, विच हुज तो आप जानते ही हैं, बहुत ही नॉर्मल है, क्लियर। तो आपने हेल्पिंग वर्ब देख लिया, किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, हाउ मैनी हाउ मच विच हुज से संबंधित बातें भी आपने देख लिया। तो अब हम आपको सेंटेंस के माध्यम से इसे और भी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस के माध्यम से हमें और भी इसे क्लियर करना है, बताना है, ठीक है। देखिए पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कहते हैं जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, बनाइए। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, बन जाएगा। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, बन गया। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, क्लियर। यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, अफर्मेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं, वह झूठा बहाना बना रहा है, ठीक है, वह झूठा बहाना बना रहा है। देखिए वह झूठा बहाना बना रहा है, बन जाएगा। ही इज मेकिंग लेम एक्सक्यूज, देखिए वह झूठा बहाना बना रहा है। ही इज मेकिंग अ लेम एक्सक्यूज, अ लेम एक्सक्यूज यह फ्रेज है, इसका मतलब होता है झूठा बहाना बनाना, क्लियर। ही इज मेकिंग अ लेम एक्सक्यूज, अ लेम एक्सक्यूज मीन्स झूठा बहाना, मेकिंग अ लेम एक्सक्यूज मीन्स झूठा बहाना बनाना, क्लियर। चलिए आलसी लड़के अपना समय नष्ट कर रहे हैं, आलसी लड़के अपना समय नष्ट कर रहे हैं। लेजी बॉयज आर वेस्टिंग देयर टाइम, लेजी बॉयज आर वेस्टिंग देयर टाइम, आलसी लड़के अपना समय नष्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह बूढ़े आदमी पर हंस रहा है, वह बूढ़े आदमी पर हंस रहा है, बन जाएगा। ही इज लॉफिंग, ही लॉफिंग एट द
ओल्ड मैन। ही इज लॉफिंग एट द ओल्ड मैन, वह बूढ़े आदमी पर हंस रहा है। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं, देखिए मैं खड़ा हूं, इसमें आपका जो दूसरा पहचान है वह काम नहीं आया, क्योंकि इसमें रहा रही का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा पहचान आपके काम नहीं आया, इसमें पहला पहचान काम में आएगा कि इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लगातार होना पाया जाता है। क्लियर, यह पहचान आपके काम आएगा। जैसे दिया है मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, यह कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, इसमें एम का प्रयोग होगा और मुख्य क्रिया में आईएनजी भी लगेगा। क्लियर, मैं खड़ा हूँ। तो जैसे देखिए मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, तो मेरे खड़ा रहने का काम तो जारी है, तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे और कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्लियर, तो बन जाएगा। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। तो इस तरह से है, देखिए रहा रही नहीं है फिर भी यह कंटिन्यूस में है, हमने आई एन जी लगाया हुआ है, हमने आपको समझा भी दिया कि कैसे यह कंटिन्यूस में है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया। क्लियर, चलिए हम आपको कुछ नेगेटिव भी बता देते हैं। ठीक, जैसे बच्चे तालियां नहीं बजा रहे हैं, देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव बच्चे तालियां बजा रहे हैं, यह निगेटिव सेंटेंस है, तो इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो बनाइए, चिल्ड्रेन आर नॉट क्लैपिंग, बच्चे तालियां नहीं बजा रहे हैं, चिल्ड्रेन आर नॉट क्लैपिंग। मैं गीता के साथ दिल्ली नहीं जा रहा हूं, देखिए मैं गीता के साथ दिल्ली नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली विद गीता। बन गया, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली विद गीता, मैं गीता के साथ दिल्ली नहीं जा रहा हूँ।
क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, नौकर कमरे को शो ऑफ नहीं कर रहा है। देखिए, नौकर कमरे को शो ऑफ नहीं कर रहा है। द सर्वेंट इज नॉट क्लीनिंग द रूम। बस, द सर्वेंट इज नॉट क्लीनिंग द रूम। रमेश का भाई मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहा है। देखिए, रमेश का भाई मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहा है। देखिए, रमेश का भाई मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो बन जाएगा रमेश ब्रदर। रमेश का भाई है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो जाएगा। रमेश ब्रदर, रमेश का भाई मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहा है। रमेश ब्रदर इज नॉट फ्लाइंग द काइट इन द फील्ड। बन गया, रमेश का भाई मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहा है। रमेश ब्रदर इज नॉट, रमेश ब्रदर इज नॉट फ्लाइंग द काइट इन द फील्ड। क्लियर। तो इस तरह से आपने निगेटिव सेंटेंसेस भी देख लिया। अब मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव बताने चल रहा हूँ, इंट्रोगेटिव भी आप देख लीजिए। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी आपको पता है, क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब वाक के प्रारंभ में लगा देंगे। यदि क्या शब्द बीच में आएगा तो वाक्य प्रारंभ में व्हाट लगा देंगे, या अन्य प्रश्नवाचक शब्द कौन, कैसे, कहाँ आदि का प्रयोग होता है तो उसकी अंग्रेजी वाक्य प्रारंभ में ही लगा देंगे। क्लियर। तो बस आपको हेल्पिंग और सभी सेंटेंसेस के ध्यान रखने हैं, शेष सब तो वही है। चलिए इंट्रोगेटिव क्या देखते हैं सेंटेंस। क्या गीता अपने भाई को पत्र नहीं लिख रही है? देखिए, क्या गीता को क्या गीता अपने भाई को पत्र नहीं लिख रही है? क्या है तीज लगा देंगे। इज गीता नॉट राइटिंग द लेटर
हर ब्रदर इज गीता इज गीता नॉट राइटिंग द लेटर टू हर ब्रदर, क्या गीता अपने भाई को पत्र नहीं लिख रही है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द्वार कौन खटखटा रहा है। द्वार कौन खटखटा रहा है, बन जाएगा हु इज नॉकिंग एट द डोर, बना दिया है हु इज नॉकिंग एट द डोर, द्वार कौन खटखटा रहा है, तो आपको बन गया। हु वाले वाक्यों का रूल आप जानते हैं कि हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हु के तुरंत बाद ही हम हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब लगा देते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें रहा रही रहे का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, जैसे इस बिस्तर पर कौन सोया हुआ है, कौन सोया हुआ है, बन जाएगा हु कौन है, वो लग जाएगा। देखिए इस बिस्तर पर कौन सोया हुआ है, रहा रही नहीं है फिर भी काम का जारी रहना पाया जा रहा है। क्लियर। रहा रही नहीं है फिर भी काम का जारी रहना पाया जा रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा और मुख क्रिया में आईएनजी लगेगा। देखिए इस बिस्तर पर कौन सोया हुआ है, कौन सोया हुआ है यानी सोने का काम अभी जारी है, वो सो रहा है, ठीक है, तो बनाएंगे हु इज स्लीपिंग ऑन दिस बेड, मैंने क्या हु इज स्लीपिंग ऑन दिस बेड, इस बिस्तर पर कौन सोया हुआ है। क्लियर। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। मैनेजर अपने दफ्तर में इस समय बैठे हुए हैं। देखिए मैनेजर अपने दफ्तर में इस समय बैठे हैं, बैठे हैं यानी बैठने का काम जारी है, यानी यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यह बन जाएगा, ठीक है। मैनेजर अपने दफ्तर में इस समय, चूंकि यह इंट्रोगेटिव है तो इसको इंट्रोगेटिव हम बना देते हैं, मैनेजर अपने दफ्तर में इस समय क्यों बैठे हैं, इस समय क्यों बैठे हैं, बैठे हैं, बन जाएगा व्हाई इज द मैनेजर सिटिंग व्हाई इज द मैनेजर सिटिंग इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम, बढ़िया। मैनेजर अपने दफ्तर में इस समय क्यों बैठे हैं, व्हाई इज द मैनेजर सिटिंग इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम। क्लियर। ये बन गया। देखिए इसमें भी नहीं रहा है, इसमें भी नहीं रहा है, फिर भी एक कॉन्टिन्यूअस
टेंस में बन रहा है। क्लियर। चलिए एक और देखते हैं। धूप में कौन खड़ा है? धूप में कौन खड़ा है बन जाएगा हु इज स्टैंडिंग। इन द सनशाइन। बस धूप में कौन खड़ा है हु इज स्टैंडिंग इन द सनशाइन। तो इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव के कुछ सेंटेंसेस देखा। अब मैं उन सेंटेंसेस को बताने चल रहा हूँ जिसमें हाउ मैनी हाउ मच विच हुज आदि का प्रयोग हुआ करता है। ठीक। चलिए देखिए, जैसे हाउ मैनी से संबंधित कुछ सेंटेंस। जैसे मान लिया आप कहते हैं कि अब वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक। अब वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए, अब वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है यह भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो किसकी किसकी कहने क्या होगी हुज। और हमने आपको बताया है कि हाउ मैनी हाउ मच विच हुज से संबंधित नाउन भी लिखेंगे। तो किसकी पुस्तक हुज बुक Whose book is he reading now? बने क्या? देखिए, whose book is he reading now? अब वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? Whose book is he reading now? क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं? कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं बन जाएगा कितनी लड़कियां हाउ मेनी गर्ल्स हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन दी ड्रामा बन गया। कितनी लड़कियां कितना कितनी संबंधित नाउन लिखते हैं हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। बच्चा कितना दूध पी रहा है? बच्चा कितना दूध पी रहा है बन जाएगा कितना दूध एक ही में रहेगा हाउ मच मिल्क।
हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग. बच्चा कितना दूध पी रहा है. हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग. क्लियर. तो इस तरह से आपने देखा हाउ मैनी हाउ मच विच हुज से संबंधित सेंटेंसेस. देखा आपने, हमने बताया था कि हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के साथ में होगा और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होगा. क्लियर. तो इस तरह से आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया. इसके साथ साथ आपने हाउ मैनी हाउ मच विच हुज से संबंधित सेंटेंसेस को भी जान लिया. क्लियर. कोई प्रॉब्लम होगी तो अपना आप पूछेंगे. ओके.